तुम दोनों इतना लड़ते हो और अम्मा तुम्हारे बिना रहती भी नहीं है। टॉम एंड जेरी है, टॉम एंड जेरी है ना? क्यों बताओ अम्मा? बताओ अम्मा, यही कि मैं ना रहती हूँ, मैं घर में बुला लेती हूँ। तो फिर लड़ते क्यों हो दोनों? बताओ, मैंने कहा मेरे सर यहाँ रख लो, सर लेट जाओ, करे पूरी सीट दे दो। मैंने कहा मैं यहाँ पर हूँ, भूखा वाला देखो देखो। तो भैया ईद में हम आएंगे और मुझे ले चलना। हाँ मुझे ले चलना, ठीक तुम्हारे साथ, फिर वापस चलेंगे सीधे। ठीक है, जाके मारे नहीं मैं जाएगा। देखो देखा। दो बजे रात के आज हम खड़े थे। हमारा एक दिन भोपाल में बहुत अच्छा गुजरा, बहुत बातें की, तो इसलिए जाते वक्त सारे लोग जो है वो इमोशनल हो रहे थे। अम्मा भी बने टॉरस के निशाने पर। कुछ ऐसे हेटर्स हैं जो कमेंट करके अम्मा को बताते हैं चोर। उन्हें शर्म आनी चाहिए कि अम्मा के बारे में क्या बोल रहे हैं। वो एक बुजुर्ग औरत है, आखिर क्यों कहते हैं ऐसे? क्या बिगाड़ा अम्मा ने उनका? बुढ़ापे में इंसान ऐसा हो जाता है, चिड़चिड़ापन। जो लोग बोल रहे हैं अम्मा को कि उन्होंने चोरी की है शुएब दीपिका के घर में, तो क्या वो पास में बैठे थे, उन्होंने देखा? इब्राहिम फैमिली एक हंसता खेलता परिवार है। इब्राहिम फैमिली में एक दूसरे की खुशियों के लिए जिया जाता है। उसे खुश रखने के लिए हर पूरी कोशिश की जाती है कि पूरी फैमिली के चेहरे पर हमेशा स्माइल रहे, और इसमें पूरा साथ देते हैं एक दूसरे का सबा दीपिका और सबसे ज्यादा शुएब इब्राहिम। अम्मा थोड़ी तेज दिमाग की हैं, ये बात सभी जानते हैं, लेकिन ये तो नहीं कि वो चोर है जो उनके बारे में गलत बोला जाता है। आपने देखा होगा कि वो नोकझोंक करती रहती हैं, कभी बेटी खाला से, कभी अपनी बड़ी बेटी सितारा से, लेकिन वो प्यार भी बहुत करती है। और भी इसके अलावा बहुत ज्यादा बातें अम्मा के ऊपर उठ रही हैं, अगर आप सुनेंगे तो खुद हैरान रह जाएंगे, हम आगे आपको जरूर बताएंगे। लेकिन ये बहुत बड़ी गलत बात है, जब हम किसी इंसान के बारे में पूरी सच्चाई नहीं जानते तो उसके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा कैसे लगा सकते हैं? जरा सोचे, वो अम्मा जो उन लोगों को जानती तक नहीं जो इनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। और आपका ये कहना है इस बारे में तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएगा। अब आपसे ज्यादा से आते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।